सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसकी मदद से भारत बन गया है एक सिक्योर नेशन, और जो निकल गया है पाकिस्तान से कई गुना आगे और चाइना से भी एक कदम आगे। हम बात करने वाले हैं फाल्कन रडार सिस्टम के बारे में और बराक 8 मिसाइल के बारे में। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IQW पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें बराक 8 और फाल्कन रडार के बारे में, उससे पहले हम बताना चाहेंगे भारत शामिल हो गया उन 6 देशों में जिन्होंने सफलता पाली है क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाने में। वो 6 देश थे, चाइना, USA, रशिया, जापान और यूरोप, और अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनने। क्रायोजेनिक मतलब कि जो प्रोपेलेंट होता है, पहले वो गैसियस और सॉलिड फ्यूल में यूज़ किया जाता था। यहाँ पर प्रोपेलेंट को जो गैसियस प्रोपेलेंट है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, गैसियस फॉर्म को लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसको यूज़ किया जाता है एज ए प्रोपेलेंट के लिए। और अभी तक केवल 6 देशों ने इसको सफलता पाई थी इस तरह के प्रोपेलेंट बनाने में। अब भारत शामिल हो गया है इस टाइप के इंजन बनाने में। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बराक 8 के बारे में, बराक 8 डेवलप की गई थी इसराइल और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की एक संस्था की मदद से, और इसकी रेंज होती है 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक में, और Mach 2 की स्पीड से ये चलती है। और इसी को तैनात किया गया है INS विराट के ऊपर, और ये सरफेस टू एयर का है मिसाइल प्रतिरोधी मिसाइल है, और कोई भी मिसाइल आती हुई दिखाई देती है ये 100 किलोमीटर दूरी से ही उस मिसाइल को मार गिरने में सक्षम होती है। जहाँ तक है फाल्कन रडार के बारे में, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये डायग्राम, जिसकी मदद से हम समझ पाएंगे अगर पाकिस्तान या चाइना या कोई भी देश हमारे ऊपर करता है न्यूक्लियर अटैक, तो कैसे इंडिया उसको डिफेंड करेगा। दोस्तों, हम बात करें इससे पहले इंडियन मिस की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भारत फॉलो करता है नॉट टू फर्स्ट यूज़ पॉलिसी न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, यानी कि अगर कोई देश उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक करेगा तभी भारत उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक करेगा, क्योंकि भारत फॉलो करता है नॉट टू फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इसलिए डिफेंस सिस्टम भी भारत का काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में। तो आइए हम बात करते हैं भारत का क्या वो डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से भारत न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट कर सकता है रास्ते में ही, और उनको कोई भी नुकसान, भारत को अपने देश पे कोई भी नुकसान नहीं आने देगा। आइए बात करते हैं। उससे पहले, बात करने से पहले हमको जानना ज़रूरी है भारत के रडार सिस्टम के बारे में। रडार सिस्टम यानी कि जो उसने परचेज किया था इसराइल से, जो अब तक का विश्व का सबसे खतरनाक रडार सिस्टम है, नाम है जिसका फाल्कन, यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल, AEWC&C, यानी कि अवॉक जिसको कहा जा सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली रडार है, और भारत ने 3 रडार इसराइल से कर दिए थे, और इनको 2 रडारों का भी ऑर्डर और भी दे रखा है भारत। ये रडार ऐसा नहीं है कि केवल भारत के पास है, इसराइल इनको यूज़ करता है, चिली ने इसको परचेज कर रखा है। लेकिन अगर हम बात करें चिली से, तो चिली से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ये होता है कि भारत ने जो ये रडार परचेज किया है वो 3 देशों के समझौते से प्राप्त किया, इसराइल, रशिया और इंडिया, तीनों देश ने आपस में समझौता किया था। और ये रडार सिस्टम लगा हुआ है रशिया के प्लेन IL-76 से, जो चिली के रडार सिस्टम से बनाता है भारत के रडार के सिस्टम को बेहतर और अच्छी क्वालिटी का। ये चाइना के पास नहीं है, चाइना ने हालांकि इसराइल को एडवांस पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन USA के इंटरवेंशन की वजह से इसराइल ने उसको खारिज कर दिया, और पेनाल्टी के रूप में 3 गुना पैसे इस चाइना को दिया उसने। पाकिस्तान के पास भी ये सिस्टम नहीं है, तो आप कह सकते हैं हम चाइना और पाकिस्तान से न्यूक्लियर डिफेंस के मामले में हम कई गुना आगे निकल गए हैं। अब ये फाल्कन एवॉक कैसे वर्क करता है, ये हालांकि आपने बाकी जो रडार होते हैं वो प्लेन के ऊपर माउंट होते हैं और चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये रडार फिक्स होता है, और ये जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है वो सिग्नल को वहाँ से वो कैप्चर कर लेता है और आपस में वो कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और देखिए कैसे, अगर मिसाइल लॉन्च होती, यहाँ
फिगर में देखें कि एनिमी की मिसाइल लॉन्च हुई तो यहाँ से अवाक के ऊपर लगा हुआ रडार इसको कंट्रोल करता है और कंट्रोल सेंटर को ये सिग्नल भेज देता है। कंट्रोल सेंटर के पास लॉन्ग रेंज का ट्रैकिंग रडार है, इसराइल का ग्रीन प्राइम ट्रेसेस वेलोसिटी और डायरेक्शन उस मिसाइल की वो ट्रेस कर लेता है। फिर उसके बाद एज मिसाइल कम क्लोजर एज सेकेंड टू रडार, तो जैसे ही सेकेंड रडार के पास में आती है वहाँ पर एक फ्रेंच का मेड का फायर कंट्रोल रडार है, वो उस मिसाइल को लॉक कर देता है। और यहाँ पर भारत की एक इंटरसेप्टर मिसाइल यहाँ पर जो तैनात की रहेगी वो मिसाइल इसको रास्ते में ही यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करती है। तो इस तरह से देखिए अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक होता है तो उसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय करने की भारत पूरी क्षमता रखता है।